देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। मत विभाजन का परिणाम मत विभाजन सिद्धि के अधीन 311 निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। लोबी खोल दी जाए। देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? मुझे गम इस बात का है कि आज हुकूमत को जिसने संविधान पर वोट दिया आज इस्लाम से मुसलमानों से इतनी नफरत। उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है, हमें कोई नफरत नहीं है। खून बहाने का बाद वो हिंदुस्तान बने, हिंदुस्तान को तोड़ना नहीं जोड़ने का काम करो। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं। 370 कलम हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में इस भारत देश के कई राज्यों से कितने लोग जाके वहाँ सेटल हो गए? कांग्रेस एक ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी है, केरल में इसके साथ मुस्लिम लीग पार्टनर है और महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी। कानून जो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। ये कानून तो हिटलर के उस कानून से ही बदतर है, उस कानून से ही बदतर है। कहां लाकर छोड़ दिए भारत को आप? अगर आपने संविधान परो किया था, हम मुसलमानों का गुनाह क्या है? क्या मुसलमान है? मुझे पाकिस्तान से मत लीजिए, अफगानिस्तान से मत लीजिए, मगर इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से इस अहमान को सोचना पड़ेगा। आप जो मैसेज दे रहे हैं आपकी वजह से पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हो गया मुसलमानों का। आप तो उनको दबा रहे हैं, उनके सीने पर पैर रखकर आप कह रहे हैं कि अब तू इस मुल्क का बाइस शहरी नहीं बल्कि तो सेटलर्स बनाया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं मैडम कि ये एक और एक पार्टीशन होने जा रहा है। मैडम मैंने स्पीकर से कहा कि आप बचा लीजिए इनको भी, मुल्क को भी बचा लीजिए, क्योंकि हिटलर का जो कानून था, न्यूरम्बर्ग का रेशियल लॉज जो थे वो तो इससे बदतर है। कम से कम वो 4 साल में बने, वो तो अभी अचानक बना रहे हैं। भाई क्या मैसेज दे रहे हैं आप देश को? छोड़िए हमारी सियासी मुखालिफत, मगर इस हद तक मत चले जाइए कि फिर वापस आने उठने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज का दिन काला दिन है। आज उन्होंने केवल संसद को अपमान नहीं किया, संसद की अपमानना नहीं है, ये देश के संविधान की अपमानना है। अमित शाह संविधान के साथ खड़े थे, ये भारत की सरकार संविधान के तहत है, और उन्होंने जो आज किया है मैं समझता हूँ भारत के लिए काले का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास। ये ओबीसी पाठ पढ़ा रहे हैं, सौ चूहा खा के बिल्ली चली हज करने, जिनका भाई कहता हो कि फोर्स हटा लिया जाए तो 15 मिनट में मैं बता दूंगा यहाँ के हिंदुओं को। दुर्भाग्य है कांग्रेस धृतराष्ट्र की तरह भारत देख रहा था सत्ता की मोह में और ओबीसी के साथ खड़ा था। ये बहुत ही गैर जिम्मेदारना है, ये संसद का अपमान है। अपनी बात आप कह सकते हैं, हम लोग सब लोग उनकी बात शांति से सुन रहे थे, वो खिलाफ में वोट कर सकते हैं, वॉकआउट कर सकते हैं, लेकिन एक बिल जो संसद में चर्चा हो रही उसको आप फाड़ देंगे तो ये बिल्कुल गलत है। इसका हम बहुत जबरदस्त विरोध करते हैं, मुझे लगता है कि हाउस का कंटेंट भी है। अब बाकी इस दिशा में जो भी सोचना है तो संसदीय विभाग के लोग देखेंगे, लेकिन एक बात और कह गए वो कि भारत का पार्टीशन फिर होगा, तो बड़े अदब से कहूंगा किसी की हिम्मत नहीं है भारत का पार्टीशन कर दे। ये बिल लाखों करोड़ों शरणार्थियों के यातनापूर्ण नर्क जैसे जीवन से उनको मुक्ति दिलाने का साधन बनने जा रहा है, और मुझे बहुत आनंद है कि आज ये लाखों करोड़ों शरणार्थी जो भारत के प्रति श्रद्धा रखते हुए हमारे देश में आए थे उनको नागरिकता और संवैधानिक सम्मान देने का काम ये बिल के माध्यम से, जब ये बिल पारित होगा, हो जाएगा। अध्यक्ष जी, काफी सारे सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है, बहुत सारी चीजों का
रिपीटेशन भी हुआ है।